नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, हमारा पहला वीडियो ये है दिए से। तो क्या होता है कि अक्सर दिया जब हम ख़राब हो जाता है ना, तो फेंक ही देते हैं। तो देखिए, इसको फेंके ना, तो देखिए मैंने ये मोमबत्ती ले लिया है और दिए के अंदर रख लेंगे। और ये मैंने कलावा का दीपक बना लिया है और कलावा को भी मैं इसी में ही रख लेते हैं और मोमबत्ती को जला देते हैं। अक्सर क्या होता है, हम सभी के घरों में लाइट चली जाती है तो हमें बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। लाइट हमेशा तो रहती नहीं है, किसी घर में इन्वर्टर है, किसी घर में नहीं है, तो सुविधा हर नहीं रहता सभी के घरों में। तो मोमबत्ती की ज़रूरत तो हम सभी को अक्सर पड़ता ही है। देखिए, हम मोमबत्ती इसमें रख दिए हैं, जितना भी मोमबत्ती पिघलेगा ना, दिए में इकट्ठा होता जाएगा। हमारी मोमबत्ती वेस्ट नहीं जाएगी, मोमबत्ती तो जल जाएगा। लेकिन जब भी आपके घरों में लाइट चली जाती है ना, तो ये लाल कलर का आप देख रहे हैं, इसमें मैंने दीपक डाला हुआ है। तो अगर मोमबत्ती ख़त्म हो जाए तो आप दीपक को यूज कर सकते हैं, जला देंगे तो मोमबत्ती की तरह ही जलेगा। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। देखिए, मेरा फाइबर के ये ढक्कन से है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या होता है ना कि हम जब भी यूज करते हैं इसको, तो उतनी जल्दी ये साफ हम नहीं कर पाते हैं, इसको रख ही देते हैं। तो देखिए, मैंने नमक ले लिया है और कटोरी में हल्का सा पानी ले लिया है। तो देखिए, इसके किनारे किनारे जितने भी ये है ना, हम ब्रश के सहारे इस तरह हम इसको अच्छी तरह साफ कर लेंगे। अब बहुत इजीली तरीके से ये साफ हो जाता है। और देखिए, इस तरह से ब्रश भी रहता है, हम फेंक भी देते हैं, यूज में भी नहीं लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से ब्रश फेंके ना आप। देखिए इसमें क्या है ना दोस्तों, कि किनारे किनारे आप देख पा रहे होंगे या नहीं पा रहे होंगे, देखिए बहुत सारा इसमें ऑयलिंग जमा हुआ है, ये साफ़ नहीं होता दोस्तों। इस तरह से आप साफ करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से ये साफ हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने साफ कर लिया। आप ब्रश में भी देख रहे होंगे बहुत इसमें गंदा निकला हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आपके घर में इस तरह से ढक्कन वगैरह है तो इस तरह से आप ज़रूर इसको साफ कीजिए। अब मैं ऊपर से भी साफ करके दिखा रही हूँ। देखिए, ऊपर भी बहुत इसमें डस्ट जमा हुआ है, तेल का, मसाले का, ये साफ नहीं हो पाते हैं जल्दी। तो देखिए, करने तो आप सर्फ से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा साफ होगा। आई होप दोस्तों कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ज़रा से भी वीडियो पसंद आए ना, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आइडिया मेरा ये अगरबत्ती से है। तो अक्सर क्या होता है, हम सभी के घर में अगरबत्ती तो जलता रहता है, कोई धूपबत्ती यूज करता है, कोई अगरबत्ती यूज करता है। तो देखिए, हमने इस तरह अगरबत्ती ले लिया है। तो क्या है ना कि हमने निकाल लिया है, इसको सारा बाहर निकाल लिया है। जब भी हम अगरबत्ती जलाते हैं ना दोस्तों, तो देखिए मैंने एक कटोरी में ये साफ पानी ले लिया है। आपको साफ पानी लेना है, गंदा पानी नहीं लेना है। इस तरह मोमबत्ती को हल्का सा मॉइस्चर कर लेंगे, हल्का हल्का इसको हम गीला कर लेंगे। तो दोस्तों क्या है ना कि मोमबत्ती तो अगरबत्ती ये क्या है ना, जब भी हम जलाते हैं बहुत जल्दी जल के ख़त्म हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हल्का सा मॉइस्चर कर देंगे ना इसको, तो ये जो अगरबत्ती है ना, तो आपको पता ही है कि इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जो अच्छे वाला अगरबत्ती लेते हैं, इसमें खुशबू बहुत अच्छा आता है। तो इसके खुशबू ना पूरे मकान में, आपके घर में गूंजेगा और काफ़ी देर तक ये रुका रहेगा, अब बहुत देर तक ये जलेगा। आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट आइडिया ये हमारा लहसुन से है। तो देखिए दोस्तों, लहसुन से है, तो आज लहसुन हम छिलेंगे ये पिन से, सेफ्टी पिन से। तो देखिए दोस्तों, बहुत इजीली तरीके से लहसुन इस तरह छिल जाता है, मैं आपके सामने ही छिल रही हूँ। देखिए, बहुत इजीली तरीके से इस तरह से छिल लेते हैं लहसुन को, और बहुत जल्दी भी छिला जाता है ये। तो दोस्तों इस तरह से क्या है ना दोस्तों, इस तरह से अगर आप लहसुन छिलेंगे ना, तो बहुत इजीली तरीके से छिला भी जाता है और बहुत जल्दी भी छिला जाता है। तो दोस्तों ये ट्रिक भी आप ज़रूर आजमा के देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे ना, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, इसी तरह मैंने पिन से ही छिला है सारा लहसुन, और बहुत इजीली तरीके से ये सारा लहसुन छील लिया है मैंने, और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है इसमें छिलने में। तो दोस्तों एक बार आप ज़रूर ये ट्रिक आजमा के देखिएगा, और ये ट्रिक आप सभी को कैसा लगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह ही मैंने सारा लहसुन कंप्लीट कर लिया है, छील के जितने भी लहसुन थे मेरे पास। तो देखिए, मैंने छील लिया है, अब मैं अलग भी करके दिखा दे रही हूँ आप सभी को। देखिए, मैंने इतना लहसुन जरा सी देर में छील के
इकट्ठा कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो मेरा ये है चाबी सेट। अक्सर ये क्या होता है कि जब भी हम घर में अपने सेफ वगैरह अलमारी न्यू लाते हैं तो तत्काल में कहते हैं कि हमारे पास छल्ला नहीं रहता है, या तो हम इसको किसी रस्सी में बांध के रख दें, सेफ्टी पड़ा रहेगा। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर उस समय कोई चीज़ नहीं मिलता है आपको, तो सबसे अच्छा और आसान तरीका ये है कि अगर आपके पास सेफ्टी पिन है तो सेफ्टी पिन में इस तरह आप चाबियों को लगा के और रख दीजिए कि कहीं भी इसको या तो आप हैंग कर दीजिए या तो कहीं रख दीजिए, सेफ्टी पड़ा रहेगा। और जब भी आप छल्ला वगैरह ले आएंगे उसमें आप हैंग करके कहीं भी इसको लटका सकते हैं या सेफ्टी रख सकते हैं। आई होप दोस्तों कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। तो देखिए अगला ट्रिक मेरा ये है तेज पत्ते से। आप ये सोचेंगे कि तेज पत्ता ये हम खाने में यूज करते हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं? तो नहीं दोस्तों, ये इसलिए है कि देखिए हम सभी के घरों में मच्छर वगैरह लगते रहते हैं। तो क्या है ना दोस्तों कि जब भी हम सोते हैं ना, तो इसमें से एक दो तेज पत्ते आप इसको ज़रूर जलाइएगा। ये मच्छरों के लिए रामबाण है, बिल्कुल ही बहुत ही उनके लिए बहुत जहर है ये तेज पत्ता। इस तरह से आप जला देंगे ना, तो जितने भी घर में आपके बैक्टीरिया वगैरह और मच्छर वगैरह होंगे ना, सारे इस तरह जलाने से मच्छर आपके ये चले जाएंगे। ये हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है, मच्छरों के लिए बहुत अच्छा ये ट्रिक है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जला देंगे ना आप, तो आपके कमरे में जितने भी मच्छर हैं ना, तो सारे मच्छर खत्म हो जाएंगे। आई होप दोस्तों कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो जरा से भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।